नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। शुरुआत कर रहे हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर से। मंत्रालय में सीएम की बड़ी बैठक, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा, तैयारियों पर कलेक्टर्स, जन प्रतिनिधियों से चर्चा। कल से उज्जैन से यात्रा शुरू होगी। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां मंत्रालय में सीएम ने बड़ी बैठक ली, जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा हुई। क्या कुछ तैयारियां यात्रा को लेकर की गई हैं, तैयारियां पूरी हैं या नहीं हैं, कलेक्टर्स जन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा इस बात को लेकर हुई है। कल से उज्जैन से ये यात्रा शुरू होगी। कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो मंत्रालय में ताबड़तोड़ बैठकें जारी हैं। डॉक्टर मोहन यादव लगातार एक के बाद एक अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग विभागों के अधिकारियों से मिलकर उनके साथ बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं। और ये खास तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ऐसी ही बैठक की भी देख रहे हैं, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा हुई। तैयारियों को लेकर कहीं भी कोई कोर कसर ना छूट जाए, इसको लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए कि कोई भी कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए इस यात्रा के मद्देनजर। कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी भी जुड़ेंगे। कल से ये यात्रा शुरू हो रही है, उज्जैन से शुरू होगी यात्रा, और इसी को लेकर ये बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार एक के बाद एक बैठक ले रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तमाम अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, उनके साथ मीटिंग की जा रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी किसी भी विभाग में किसी भी तरीके से कोई काम में अड़चन नहीं आनी चाहिए। और एक ऐसी ही बैठक की विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर, जहां अधिकारियों से बात की, कलेक्टर से बात की और साथ ही जन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं बैठक की, और मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी हम आपको तस्वीरें दिखाते रहे किस तरीके से सरकार के बड़े फैसलों पर प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद हो गया है। नगर निगम की टीम कार्रवाई कर रही है, जगह जगह धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स को हटाया जा रहा है, सड़कों पर जो खुले में मांस बेच रहा है उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, ऐसी दुकानों को हटाया जा रहा है, चालान काटे जा रहे हैं। और अब एक विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर ये बैठक सीएम ने ली है। वहीं इस यात्रा पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर निशाना साधा, तो कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या है वार पलटवार, दिखाते हैं आपको। कि विजय संकल्प किस बात का? निसंदेह 2024 माननीय प्रधानमंत्री जी को जीतना है। 2014 में लाल किले की प्राचीर से उन्होंने अपने पहले संबोधन में कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। क्या रोजगार दिया गया है, या आत्मनिर्भर भारत या अन्य तमगे लगाकर अपनी पीठ खुद थपथपाएं? देखिए, ये मुझे शायद बताने को जरूरत नहीं है कांग्रेस को कि किस बात की विजय है। जिस प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है और कांग्रेस का सफाया किया है, तो कांग्रेस को तो एक सलाह है कि कांग्रेस अपने दफ्तर में ताला डाले और मध्य प्रदेश से अब पूरी तरीके से निकल जाए, क्योंकि आज 20 वर्षों में कांग्रेस को जगह मध्य प्रदेश की जनता ने नहीं दी है, आने वाले समय में भी कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। और रही बात संकल्प यात्रा की, तो देखिए, ये सिर्फ एक ऐसी जनहित योजना है कि जितनी योजनाएं भारत सरकार ने या मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है, उसको जन जन तक पहुंचाना। वहीं मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। राज्यपाल मंगू भाई 19 दिसंबर तक प्रदेश से बाहर हैं, मंत्रिमंडल का गठन उसके बाद ही होने के आसार हैं। दिल्ली और भोपाल में नामों को लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा का दौर चल रहा है। नाम फाइनल करने के लिए दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। लिस्ट में सीनियर और नए चेहरे दोनों को मौका मिल सकता है। तो इससे पहले लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कांग्रेस इसको लेकर सरकार पर हमलावर भी रही है, लेकिन राज्यपाल मंगू भाई पटेल अभी आउट ऑफ स्टेट है, राज्य से बाहर है। 19 तारीख तक उनके बाहर रहने का कार्यक्रम है, तो ऐसे में अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
और बताया जा रहा है कि जो नई लिस्ट है उसमें सीनियर और नए चेहरे दोनों को ही मौका मिल सकता है। नाम फाइनल करने के लिए दिल्ली से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। जैसे ही हरी झंडी मिल जाएगी वैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और कैबिनेट में सीनियर्स नए चेहरे दोनों के बीच ही एक बैलेंस देखने को मिल सकता है। डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में कौन कौन होगा इसको लेकर तमाम कयास चल ही रहे हैं, चर्चाएं भी हो रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा जारी है, सीनियर्स और नए चेहरे इन दोनों के बीच में ही कैसे संतुलन बनाया जाए इसी को लेकर फिलहाल मंथन हो रहा है। तो एक तरफ मंथन हो रहा है वहीं मंथन के चलते हो रही देरी पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि जिस दिन पर्ची आ जाएगी उसी दिन मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि जो बीजेपी कांग्रेस को पर्ची लिखकर नियुक्ति देने के लिए बदनाम करती थी आज वो पर्चियों से मुख्यमंत्री की घोषणा कर रही है। तो वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। सुनाते हैं आपको। दिल्ली से पर्ची आएगी तो मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को ये लोग बदनाम करते थे कि पर्चियों पर ट्रांसफर हो जाते हैं, अब तो पर्चियों पर मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस का काम आरोप प्रत्यारोप लगाने का है, जो अब उनकी ये झूठ की दुकान बंद हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये विचारों की पार्टी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता की अहम भूमिका है, हर एक कार्यकर्ता की अपनी योग्यता के आधार पर दायित्व है। ये सामूहिकता से यहाँ निर्णय लेता है हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं ये विचार विमर्श कर नीति रणनीति के तहत लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर और खुले में मास्क बेचने के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कई जिलों में प्रशासन और नगर निगम ने कार्रवाई की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद प्रदेश में प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर और बाजार में खुले में मांस बेचने के खिलाफ एक्शन लिया गया। ग्वालियर, उज्जैन, आगर मालवा और इंदौर की इन तस्वीरों में ये आप देख भी सकते हैं। वहीं इंदौर में भी सीएम के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों पर एक्शन की तैयारी है। महापौर ने अधिकारियों को धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही खुले में मांस बेचने पर प्रशासन सख्त हो चुका है। महापौर ने निगम अमले को कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्रवाई के लिए निगम का दस्ता बाजारों में पहुंचा। 17 दुकानों का चालान काटा गया। अब तक शहर में 100 दुकानों पर कार्रवाई की गई। 40 से ज्यादा दुकानों को फुटपाथ से हटाया गया। देखिए, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और मध्य प्रदेश सरकार के कल के दिशा निर्देशों के अनुरूप बिना अनुमति के तय सीमा के बाहर यदि कोई लाउडस्पीकर का उपयोग करता है तो उनके खिलाफ चेतावनी देकर और दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी नगर पालिकाओं को, जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं, हम भी उनका कठोरता से पालन करेंगे। वहीं खरगोन में खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन ने की है। हमारे साथ अधिकारी मौजूद है, किस प्रकार कार्रवाई चल रही है? हम लोग जांच वगैरह कर रहे हैं मांस मटन की दुकानों का, और जहां पे कोई इस तरह से लाइसेंस वगैरह नहीं है उनको विधि अनुरूप हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कहां कहां कार्रवाई की गई? अभी हमने दो जगह तलाई मार्ग में कार्रवाई करी, यहाँ मटन मार्केट में भी आई, यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। बहरहाल एमपी में नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पहले फैसले पर प्रशासन का अमल शुरू हो चुका है और आगे भी इसी मामले पर कार्रवाई ऐसे ही जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
वहीं भोपाल में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने सीएम के आदेश के बाद पुराने शहर के मीट दुकानदारों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने यह पहल की। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि इस इलाकों में साफ सफाई रहेगी, इस आदेश का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। ये आदेश सिर्फ खाना पूर्ति ना रहे, और साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि आदेश के नाम पर लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। प्रदेश में नई सरकार के आदेश के बाद अब मुस्लिम समुदाय के लोग भी लोगों के बीच जा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि जो मांस विक्रय है वो खुले में ना हो। ऐसे ही कुछ युवा सामने आए हैं जो जागरूक करने निकले। सर, किस तरह से जागरूकता फैला रहे हैं, नई सरकार का जो आदेश आया और किस तरह से लाभकारी रहेगा? हम लोग अपने तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश को लोगों तक पहुंचा के उसमें ये समझाना चाह रहे हैं कि साफ सफाई हमारे लिए भी बेहतर है, हमारे प्रदेश के लिए भी बेहतर है, दूसरे जो समाज के लोग हैं उनको भी उसमें कोई घृणा नहीं होगी। सब सामान्य रूप से चलें, व्यवसाय अपना करें, लेकिन एक दायरे में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आदेश को एक धर्म विशेष से जोड़कर देख रहे हैं। ये छोटी मानसिकता के लोग हैं। अगर धर्म विशेष की बात करें तो मुस्लिम धर्म में कभी कहा नहीं गया किसी दूसरे को परेशान करना। ये वो लोग हैं जो धर्म को अपने तौर पे बताते हैं। अगर कोई बयान आता है, पहली सरकार ऐसी है जो 20 साल से सीधे सीधे काम करती हुई आ रही है, उस पर हम टिप्पणी करें तो हमें अपने मानसिक इलाज को कराना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं सर, किस तरह से आदेश को देखते हैं आप लोग जागरूक कराने निकले? साहब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आदेश है, बहुत अच्छी बात है। हम मानेंगे कि साफ सफाई रहे, दुकानें कंडम बने, बेहतरीन मॉडल बने, हमारे महलों में सफाई रहे, हमारे महलों में पुराना शहर भोपाल में गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सब रहते हैं तो सबको निकलने में आसानी हो और अच्छी बात है। वहीं पुराने भोपाल में रात भर दुकानें खोलने का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व महापौर आलोक शर्मा इसको लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुराने भोपाल में रात भर खुलने वाली दुकानों का विरोध जताया। कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया, कहा कि भोपाल शहर में दो कानून नहीं चलेंगे। पुराने भोपाल में रात भर दुकान खुलने से क्राइम बढ़ रहा है और युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है। तो वहीं आलोक शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों के इशारे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। साथ ही खुले में मांस की बिक्री पर कहा कि मैंने महापौर रहते हुए शाहजनी पार्क में मांस बिक्री के लिए कवर्ड कैंपस बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था और इसकी जानकारी अब मैं वर्तमान महापौर से लूंगा। और भोपाल में गुमास्ता, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जब पूरे भोपाल में दो कानून नहीं चलेंगे, जब पुराने हमारे भोपाल में नया भोपाल है जो टीटी नगर का क्षेत्र लगता है, मत 10 बजे न्यू मार्केट बाजार बंद हो जाता है, पिपलानी 10 बजे बंद हो जाता है, विट्ठल मार्केट 10 बजे बंद हो जाता है, संतराम नगर का बाजार 10 बजे बंद हो जाता है, चौक का बाजार हो, सरापा बाजार हो, कपड़ा बाजार हो, हनुमानगंज हो, हमीदिया रोड हो, जब सब 10 बजे बंद हो रहे हैं तो काजी कैम 24 घंटे क्यों खुलेगा? ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्वालियर चंबल अंचल में नकल इंडस्ट्री सामने आई है। सालाना 300 करोड़ का कारोबार है। हाईकोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी, छात्रों ने कार्रवाई की मांग की है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां ग्वालियर चंबल अंचल में नकल इंडस्ट्री पर कार्रवाई करने की मांग छात्रों ने की है। नई सरकार में ये उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेगी। ग्वालियर खंडपीठ में एक मामला लगा था जिस पर मामले में न्यायालय ने यह कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में भिंड एक नकल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और नकल का बहुत बड़ा उद्योग चलता है। यहाँ पर 250 से 300 करोड़ रुपए सालाना यहाँ पर जो माफिया है वो अर्जित करते हैं और कई बाहर से प्रदेशों से सॉल्वरों को बिठा कर यहाँ एग्जाम दिलवाते हैं और होनहार भविष्य जो स्टूडेंट है उनका भविष्य खराब करते हैं। इस प्रकार का मामला चाहे PMT मामला हो, पटवारी हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो और चाहे वो हाई स्कूल और 12th क्लास के एग्जाम का मामला हो, कई ऐसे मामले हैं और भिंड में ऐसे कई मामले पहले देखे गए हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत चिंता जाहिर की है। और ग्वालियर से हमारे सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो इसलिए अब उम्मीद है इस नई सरकार से कि वो कार्रवाई करेगी, नकल इंडस्ट्री की लगाम कसी जाएगी? बिल्कुल सही बात है। देखिए, जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल एक ज़माने में डकैतों के लिए जो है कुख्यात था, लेकिन अब इस दौर में यहाँ शिक्षा माफिया जो है सक्रिय है और यही वजह है कि हाई कोर्ट तक ने अब टिप्पणी कर दी है
कि मुरैना और भिंड तो जो है नकल की इंडस्ट्री है, यहाँ लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए सालाना का कारोबार इन शिक्षा माफियाओं के द्वारा किया जाता है। इन छात्रों की जगह ये लोग साल भर के जरिए करोड़ों रुपए लेकर साल भर बिठाते हैं और फर्जीवाड़ा करते हैं। पूर्व में अगर देखें तो पीएमटी कांड हो, व्यापम कांड हो, पटवारी भर्ती परीक्षा हो या पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा हो, सभी में जो फर्जीवाड़े का लिंक था वो ग्वालियर चंबल अंचल से निकला था। यही वजह कि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद छात्रों ने भी ये माना है, शिक्षाविदों ने भी ये माना है कि जो नई सरकार है मध्य प्रदेश की, जो सीएम है मोहन यादव, उनकी अगुवाई में निश्चित तौर पर इस बार इस नकल इंडस्ट्री तौर पर सभी की जो उम्मीदें हैं डॉक्टर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी हुई हैं कि वो किस तरह से कार्रवाई करते हैं, क्या कदम उनकी सरकार में उठाए जाते हैं। सुशील, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में याचिकाओं की लिस्टिंग का मामला है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया, दिखाएंगे आपको, लेकिन सीधे इस वक्त सुनते हैं सीएम क्या कह रहे हैं। ऐसी गंभीर धारा भी नहीं लगाए, ये इनसे हमको बचने की जरूरत है। जो अपराध की श्रेणी का हो उसकी पूरी गंभीरता के साथ जांच करने के बाद ही उस पर कार्रवाई करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज बड़ी बैठक यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ली है और यहां पर कह रहे थे कि जिस अपराध क्या हो उसी अपराध के तहत जांच करने के बाद धारा लगानी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, वापस से बात करते हैं 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया है 25,000 रुपए जमा कराने को कहा है। 25,000 जमा करने के बाद सुनवाई होगी, एक हफ्ते में ही ये रकम जमा करनी होगी। मध्य प्रदेश में माफी औकाफ मंदिरों की जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। अकेले ग्वालियर जिले के 20 से ज्यादा मंदिरों की हजारों बीघा जमीन को माफियाओं ने बेच दिया है। मंदिरों के पुजारी और ट्रस्टियों ने अब मध्य प्रदेश के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से गुहार लगाई है। आजादी के बाद ग्वालियर जिले के 865 मंदिरों को 4,290 हेक्टेयर भूमि दी गई थी। इन जमीनों की निगरानी के लिए माफी औकाफ विभाग बनाया गया है, लेकिन विभाग ने मंदिरों की जमीनों पर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे राजस्व विभाग के अमले ने मंदिरों के खसरों में बदलाव कर दिए। 60 से 70 के दशक में जो जमीनें मंदिरों के नाम थी वो निजी दर्ज हो गयी। शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी हो रही है। दो निर्णय उन्होंने तत्काल लिए हैं, सबसे लेते ही एक तो ध्वनि और एक मास के ऊपर जो लिया है बहुत अच्छा लिया है। ऐसे ही भूमापियों के खिलाफ जो ले ले हमारी मंदिरों की और पुजारी संघ इतना परेशान हो रहा है जमीन के लिए, और जमीन की जो मंदिरों से भूमि लगी है वो काव की उस पर कहीं मुक्ति मिल जाती है और कहीं मान में मोहन यादव जी कहीं व्यक्तिगत अपना वो ले लेते हैं संज्ञान तो बहुत अच्छे से जमीन निकल सकती है और बहुत पूजा सेवा अच्छे से हो सकती है। आइए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि ग्वालियर जिले के मंदिरों की जमीन की स्थिति जिन पर भू माफिया का कब्जा है। बात ग्वालियर तहसील की करें तो यहाँ 183 गांवों में 352 धर्म स्थल है। इन धर्म स्थलों के नाम 1,091.71 हेक्टेयर जमीन है। वहीं डबरा तहसील के 123 गांवों में 285 धर्म स्थल है। इनके पास 2,122.47 हेक्टेयर जमीन है। यहां मंदिरों की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। भीतरवार तहसील में 117 राजस्व गांव में 1,076.65 हेक्टेयर जमीन है। यहां भी जमीन खुर्दबुर्द की गई है। इसके साथ कई मंदिर ट्रस्ट हैं जिनके पास कई एकड़ जमीन है जिस पर भू माफिया ने अपना कब्जा बना रखा है। बहरहाल धार्मिक और सामाजिक ट्रस्ट माफी औकाफ की ग्वालियर शहरों में मौजूद अधिकतर जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। अधिकारियों और भू माफियाओं की मिलीभगत से इन जमीनों पर कॉलोनी बसा दी गई। कुछ इस प्रकार की शिकायतें हमारे सामने आई हैं और ज़रूर इसके बारे में अभी जो शिकायतें आई हैं वो हमने संबंधित SDMs को भी इसके बारे में हमने पत्र भी जारी कर लिया है कि इसमें जांच की जाए, विधिवत उसमें जांच हो जाएगी और उसमें जो गलती जो भी हमको पाया जाएगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि प्रशासन ने लंबे समय से मंदिरों की जमीन पर कब्जे की शिकायतों के बाद करीब 6 महीने पहले इसकी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अभी जांच अधर में लटकी हुई है।
संतों की मांग के बाद माना जा रहा है कि अब नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के एक्शन में आने के चलते इन मंदिरों की जमीन पर कब्जे के मामले में प्रशासन जल्द ही ठोस कदम उठाएगा। न्यूज 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं नरसिंहपुर के गोटे गांव में लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है तो वहीं परिजन एक से ज्यादा आरोपियों के वारदात में शामिल होने की बात कह रहे हैं। परिजनों का कहना है कि लड़की ने जख्मी हालत में फोन कर उन्हें बताया कि कुछ लोग उसे घसीट रहे हैं। ऐसे में परिजनों ने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तो वहीं हत्याकांड के विरोध में शहर बंद कराया। इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, एक वो फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ लड़की के परिवार वाले हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि इस वारदात में एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल थे। अब बात करेंगे हादसों की। रतलाम में सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 साल के एक मासूम किसान दंपति की मौत हो गई। अज्ञात गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, इसमें इन तीनों की ही जान चली गई। हादसा रतलाम के खचरौद रोड पर हुआ तो वहीं ग्वालियर में बाइक सवार पति पत्नी हादसे का शिकार हो गए। पलवल मशीन में बाइक घुस गई। जेसीबी की मदद से दंपति को बाहर निकाला गया। महिला गंभीर रूप से घायल हुई, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। दंपति यूपी के जालौन से ग्वालियर आ रहे थे। बेहद थाना के दहियापुरा गांव के पास ये हादसा हुआ। वहीं मंडला से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। रेप के दो आरोपी जहां फरार हो गए, पुलिस को चकमा देकर ये आरोपी फरार हो गए। पेशी पर ये आरोपी लाए गए थे, नैनपुर कोर्ट में पेशी थी। एसपी ने 4 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया है। तो पेशी पर ये आरोपी लाए गए थे, मंडला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस कर्मियों की आंखों में धूल झोंक कर ये फरार हो गए। ये आरोपी यहां एक मामले में पेशी में लाए गए थे और जहां से ये फरार हो गए। अब बात मुरैना की, जहां पिता का बदला लेने के लिए आरोपी ने 3 छात्रों को अगवा कर लिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। बदले की भावना इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कोई भी व्यक्ति बदले की भावना में कुछ ऐसा कर गुजरता है कि उससे गलतियां होती है। एक ऐसी ही तस्वीर मुरैना से आई है जहां पिता का बदला लेने के लिए बेटे ने 3 छात्रों का अपहरण किया, फिर उसके साथ मारपीट की और अधमरी हालत में सड़क किनारे फेंक दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है अपहरण के बाद छात्रों से मारपीट की जा रही है। इतना मारा कि छात्र अधमरा हो गए। इस घटना को बेटे ने अंजाम दिया। अब पीड़ितों की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये मामला मुख्य रूप से महुआ थाना क्षेत्र के कसमडा गाँव का बताया जा रहा है। और आइए अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार के साथ। जबलपुर में महिला को बाथरूम में अज्ञात बदमाशों ने किया बंद, घंटों नहीं खुला बाथरूम का दरवाजा, सीसीटीवी के आधार पर जांच मिला अस्पताल प्रबंधन। ग्वालियर चंबल अंचल में नकल इंडस्ट्री, सालाना 300 करोड़ का कारोबार, छात्रों ने की कार्रवाई की मांग, हाईकोर्ट ने भी की थी टिप्पणी। मंडला में रेप के दो आरोपी फरार, पुलिस को चकमा देकर हुए फरार, पेशी पर लाए गए थे आरोपी, एसपी ने 4 पुलिस वालों को किया निलंबित। ग्वालियर में मां बेटी की अनोखी लड़ाई, कचरा फेंकने के विवाद में मां ने बेटी को पीटा, बेटी ने मां के खिलाफ थाने में दर्ज कराई एफआईआर। बुरहानपुर में भारत संकल्प यात्रा की बैठक में हंगामा, आपस में भिड़े कार्यकर्ता, अर्चना चिटनिस और हर्षवर्धन समर्थक भिड़े। सतना में बिजली बिल ने दिया जोर का झटका, 1 महीने का बिजली बिल 19 लाख रूपये, अधिकारियों ने दिया बिल सुधारने का आश्वासन। जबलपुर बना एचआईवी एड्स का सेंटर, हर साल 250 से ज्यादा लोग संक्रमित, 60% मरीज नशीले इंजेक्शन के आदि। कल उज्जैन से शुरू होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तैयारियों पर मंत्रालय में की बैठक, पीएम मोदी भी होंगे वर्चुअली शामिल। भोपाल के एमबीएम कॉलेज का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया निरीक्षण, नई शिक्षा नीति पर की चर्चा, हायर एजुकेशन पर विशेष फोकस। याचिकाओं के लिस्टिंग मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट याचिकाकर्ता को 25,000 रुपए जमा करने के दिए निर्देश, 1 हफ्ते में जमा करनी होगी रकम।
ग्वालियर के सिरसौत गांव में अनोखी मिसाल, धर्मगुरुओं ने खुद हटवाए लाउडस्पीकर, मस्जिद और मंदिर से उतारे गए लाउडस्पीकर। जल्दी होगा मोहन कैबिनेट का विस्तार, 2 से 3 दिन में नाम होंगे फाइनल, सूत्रों के हवाले से खबर। भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज छोड़ेंगे सीएम आवास, 2 से 3 दिन में शिफ्ट होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान 74 बंगले स्थित B8 आवास में होंगे शिफ्ट। मुरैना में पेट्रोल चोरी का वीडियो आया सामने, होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कार्यालय से हुई चोरी, मोटर बोट की टैंक से 2 कर्मचारी पेट्रोल निकालते आए नजर। दमोह में शव वाहन चालक ने की खुदकुशी, मौके से मिला सुसाइड नोट, परिवार ने शव रखकर किया प्रदर्शन। सागर में भीषण सड़क हादसा, हादसे में 3 लोगों की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, राहतगढ़ थाना क्षेत्र की घटना। रतलाम में रफ्तार बनी कार, सड़क हादसे में दंपति समेत 6 साल की बेटी की मौत। धार में बेटे ही निकले पिता के हत्यारे, हत्या के आरोपी 2 बेटे गिरफ्तार, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए की थी हत्या। पानी की टंकी पर चढ़ा कांग्रेस नेता उतरा नीचे, 13 घंटे बाद महेश जाटव टंकी से नीचे उतारे गए, पुलिस ने बात करने के लिए बुलाया नीचे। बैतूल में आमला शहर के पास घूम रहा तेंदुआ, सीसीटीवी में दिखाई देते तेंदुए की झलक, इलाके के लोगों में दहशत। और एमपी अब तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।